हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पॉली लाइन कमांड के बारे में। पॉली लाइन कमांड समझाने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरी कोई नई वीडियोस अपडेट चाहते हो व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर ईमेल कर सकते हो और मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी दोस्तों, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको पॉली लाइन और लाइन के बीच में डिफरेंस। तो जैसे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट एल कमांड से भी लाइन ले सकता हूँ और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लाइन कमांड लेता हूँ एक, जैसे मैंने लाइन ली यहाँ पर, ये और फिर ये और फिर ये और फिर एंटर। अब मैं पॉली लाइन कमांड लेता हूँ जो कि यहाँ पर है, और इसकी शॉर्टकट कमांड PL है। या तो हम कीबोर्ड से PL टाइप करके भी ये कमांड ले सकते हैं, या हम डायरेक्ट यहाँ ड्रा पैनल में से भी ये पॉली लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपसे पूछ रहा है ये स्पेस है स्टार्ट पॉइंट, ये सेम टू सेम लाइन कमांड जैसी है यूज़ करने में। जैसे मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, फिर ये स्पेस वाई नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, और फिर मैं वैसे ही ये सेम डायग्राम यहाँ पर ये ड्रा कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर एंड पॉइंट पे क्लिक किया और फिर एस्केप स्पेस या एंटर। तो मैंने यहाँ पर दो डायग्राम बनाए हैं दोस्तों, एक तो बनाया है लाइन कमांड के थ्रू और एक बनाया है पॉली लाइन कमांड के थ्रू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लाइन कमांड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो सिर्फ इसने एक लाइन सेगमेंट सिलेक्ट किया है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। और अगर मैं यहाँ पर, अगर ये पॉली लाइन वाला जो मैंने ट्रायंगल ड्रा किया है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, तो इसने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। मेन डिफरेंस क्या है दोस्तों, जो हम लाइन कमांड से बनाते हैं डायग्राम, वो बनते हैं सेगमेंट्स में, और जो हम पॉली लाइन से बनाते हैं, तो स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक हम जो भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे पॉली लाइन के थ्रू, तो वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब अगर जैसे मैं यहाँ पर, अगर इन ऑब्जेक्ट को मैं मूव करता हूँ, जैसे मैं मूव की कमांड लेता हूँ, वो होती है M शॉर्टकट की उसकी, या हम यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में जाकर मूव कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये मूव किया और फिर यहाँ पर ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो इसने ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। और फिर राइट क्लिक, फिर ये बेस पॉइंट पूछेगा दोस्तों। बेस पॉइंट हम कहीं पर भी दे सकते हैं, जैसे मुझे मान लिया यहाँ से अगर मूव करना है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से अगर मिड पॉइंट से करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर इसको जिस भी डायरेक्शन में, जहाँ पर भी मूव करना मुझे, वहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब अगर मैं मूव की कमांड सेम लाइन वाले ट्रायंगल के लिए लेता हूँ, तो या तो मैं रिपीट के लिए उस कमांड को स्पेस बार भी दबा सकता हूँ, या M एंटर या स्पेस बार, फिर वो दोबारा ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो ये सिर्फ एक लाइन ही सिलेक्ट की, इसने पूरा ऑब्जेक्ट नहीं किया। फिर राइट क्लिक, फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसका बेस पॉइंट ये दे दिया। फिर अगर मूव करता हूँ, तो ये सिर्फ एक लाइन इसने मूव की है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मेन डिफरेंस लाइन और पॉली लाइन कमांड के बारे में ये है। तो अब जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर जो लाइन के थ्रू ट्रायंगल बनाया हुआ है, वो अलग अलग सेगमेंट में है, और मुझे मान लिया इसको सिंगल ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है, वो कैसे करूँगा दोस्तों। उसके लिए एक कमांड होती है पॉली एडिट, शॉर्टकट की है उसकी PE, या पी एडिट भी लिख सकते हैं। PE एंटर किया और फिर ये क्या पूछेगा, सिलेक्ट पॉली लाइन। तो हम जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें से एक लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ये पूछेगा डू यू वांट टू टर्न इनटू वन, हम Y टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ये पूछ रहा है और ये यहाँ पर भी ये पूछ रहा है कर्सर के साथ वाले में। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और फिर मैं चूज़ करता हूँ ये सेकंड ऑप्शन ज्वाइन, क्योंकि मुझे ये बाकी दो सेगमेंट ये इस लाइन के साथ ज्वाइन करने हैं। तो मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर बाद में ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से, जो हमारी दूसरी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया। या हम सिंपल तरीके से, अगर ज़्यादा छोटी छोटी लाइनें हैं, तो उसके लिए हम पूरे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट क्लिक, फिर एस्केप। अब जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहोगे ये भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया, जैसे हमारा ये पॉली लाइन के थ्रू ड्रा किया हुआ ट्रायंगल है। ओके, अगर मान लिया मुझे इसको वापस इस सेगमेंट में अगर तोड़ना है, यानी कि मुझे ये लाइन भी अलग चाहिए, ये भी अलग चाहिए, ये भी अलग चाहिए, तो उसके लिए कमांड आती है दोस्तों एक्सप्लोड। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, X। या हमारे पास यहाँ पर एक कमांड है, आप देख रहे होगे मॉडिफाइड पैनल में, यहाँ पर ये,
ये होती है एक्सप्लोड की कमांड। तो मैं यहाँ पर जैसे ये सिलेक्ट करता हूँ एक्सप्लोड, और फिर ये क्या पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया ये ऑब्जेक्ट, और फिर सिंपली क्या करना दोस्तों, स्पेस एंटर या राइट क्लिक। अब जैसे मैं एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने ये लाइन सिलेक्ट की, तो बाकी इसने क्या किया, अनसेलेक्ट है बाकी सभी लाइनें। तो इसने क्या किया, सब लाइनों को अलग अलग तोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट कमांड जो हम सीखेंगे वो है पॉलीलाइन का यूज। तो पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब जैसे मैं दोबारा पॉलीलाइन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, या PL एंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमसे ये पूछ रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंट दे दिया, उसके बाद मैंने ये लाइन ड्रॉ की यहाँ तक। उसके बाद मान लिया ये लाइन मुझे चाहिए कर्व में। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अंडू विड्थ। तो जैसे मुझे मान लिया ये कंटिन्यू में आर्क चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, या तो डायरेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या तो ए स्पेस बार। जब ए स्पेस बार एंटर करूँगा तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लिया मुझे ये आर्क चाहिए यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स, अगर मुझे अपोजिट डायरेक्शन में आर्क चाहिए तो मैं कंट्रोल की भी दबा सकता हूँ, और थोड़ा कर्सर को मूव करूँगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर मुझे उसी डायरेक्शन में चाहिए तो वापस मैं उस कंट्रोल की को छोड़ देता हूँ। ओके, तो जैसे मुझे ये आर्क चाहिए यहाँ तक, ये एंड पॉइंट है इसका, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देख रहे हो आप ये कंटिन्यू में आर्क शो कर रहा है। तो मुझे अब लाइन ड्रा करनी है दोबारा, तो मैं क्या करता हूँ, या तो यहाँ पर लाइन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, या डायरेक्ट एल एंटर, तो ये वापस लाइन कमांड आ जाएगी। तो जैसे मैं ये लाइन यहाँ तक ड्रा कर लेता हूँ, और फिर दोबारा आर्क लेनी है तो ए एंटर, और फिर एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ आर्क का, वो कर दिया मैंने यहाँ पर। और फिर अगर मुझे इस कमांड से बाहर निकलना है तो स्पेस बार या एंटर या एस्केप की या राइट क्लिक, कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है तो उसके लिए मैं एक्सप्लोड कमांड का यूज़ कर सकता हूँ, एक्स स्पेस बार। जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए ऑलरेडी ये एक्सप्लोड हो गया। तो अब जैसे आप देख रहे हो ये अलग अलग सेगमेंट बन गए हैं इस ऑब्जेक्ट के। ओके फ्रेंड्स, अब कंट्रोल जेड दबाता हूँ एंडू के लिए। अब इसके बाद जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये पॉइंट, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। तो जैसे मैं इस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी थोड़ी मॉडिफिकेशन के लिए इसकी। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक करके छोड़ दिया, और मुझे यहाँ पर एक और वर्टेक्स ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर माउस के कर्सर को ले जाता हूँ और एक सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर तीन ऑप्शन आ चुके हैं, स्ट्रेच, एड वर्टेक्स और कन्वर्ट टू आर्क। तो जैसे मैं एड वर्टेक्स करता हूँ तो यहाँ पर एक और वर्टेक्स ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ, तो ये देख रहे होगे आप यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट अलग हो गया, ये अलग हो गया, सिंगल लाइन को दो हिस्सों में तोड़ दिया इसने। ओके, अगर मान लिया मुझे इस लाइन को अगर आर्क में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर कन्वर्ट टू आर्क, और फिर इसको अगर मूव करता हूँ ऊपर की साइड या नीचे की साइड तो ये आर्क में कन्वर्ट होगी सिंगल लाइन। ओके, और जैसे मान लिया मुझे ये पॉइंट अगर स्ट्रेच करना है, यहाँ पर माउस के कर्सर को ले जाता हूँ और कुछ नहीं दो सेकंड के लिए वहीं पर रखता हूँ, तो ये ऑप्शन आ गया जैसे स्ट्रेच वर्टेक्स, और फिर क्या हुआ ये स्ट्रेच हो जाएगी। तो हम माउस का जो मिडल स्क्रॉल बटन होता है उसका यूज़ करके हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इस ड्राइंग को, और पैन कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं मिडल माउस बटन को प्रेस करके और फिर जूम इन। तो जैसे देख रहे हो आप इसने ये आर्क को बड़ा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो हम इस तरह से हमारे जो पॉलीलाइन कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन जो है हमारे पास पॉलीलाइन कमांड को यूज़ करने का, वो क्या है, जैसे मैं यहाँ पर एक पॉलीलाइन दोबारा लेता हूँ, फिर क्लिक, और फिर जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर एक ऑप्शन है विड्थ का। ओके, यहाँ पर मैं ये विड्थ लेता हूँ, तो ये पूछ रहा है कि स्पेस बाय स्टार्ट विड्थ, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट विड्थ दे देता हूँ 0.04 भी दे सकता हूँ। ओके, और फिर ये स्पेस बाय एंडिंग विड्थ पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर ये देता हूँ मैं 0.5, फिर एंटर। तो जैसे आप देख रहे होगे मैं यहाँ पर ये लाइन जैसे ड्रा कर रहा हूँ, जैसे आप देख रहे होगे तो स्टार्टिंग विड्थ है यहाँ पर इस लाइन की वो है 0.04, और जो एंडिंग विड्थ है वो है 0.05 के करीब। ओके, तो ऐसे हम विड्थ में स्टार्टिंग में कम करके और एंडिंग में बढ़ा के हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर दोबारा पॉली लाइन लेता हूँ, और जैसे आप देख रहे होगे जो मैंने लास्ट कमांड दी हुई थी पॉली लाइन की विड्थ वाली,
तो ये उसी विड्थ में इस लाइन को ड्रा कर रहा है। तो अब मैं इसको वापस ही उसी पिक्सल में जाता हूँ जो हमारे डिफॉल्ट रहते हैं। तो उसके लिए क्या करूँ दोस्तों, पॉली लाइन दोबारा लेता हूँ, PL एंटर, और फिर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और फिर W एंटर। तो W एंटर करने के बाद ये दोबारा वही पूछ रहा है स्टार्टिंग विड्थ, ये भी मैं दे देता हूँ 0, और फिर देता हूँ मैं एंडिंग विड्थ, वो भी दे देता हूँ 0, और फिर एस्केप। तो अब जैसे मैं दोबारा अगर पॉली लाइन अगर ड्रा करता हूँ तो ये डिफॉल्ट जो हमारी विड्थ होती है उसी में ड्रा होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।